राजस्थान में नौतपा का कहर, आसमान से सूर्यदेव की हीटवेव के साथ अंगारे बनकर बरसा, जिसके चलते हर कोई भीषण गर्मी से कहरा उठा। लेकिन पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में मेगा गर्जन के साथ हल्की बारिश ने राहत दे दी। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश राजगढ़ चूरू में 11 मिमी, जबकि पूर्व राजस्थान के सीकर में 8 मिमी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद भयंकर बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राजस्थान में कहीं कहीं तेज आंधड़, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने और हीट वेव से राहत बने रहने की संभावना है। प्रदेश के कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव देखने को मिला। बीकानेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, दौसा, चूरू, भरतपुर और कोटा क्षेत्र में बारिश की संभावना है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के बिग्गावास, रामसरा और कीतासर गांव में बारिश के साथ ओले गिरे। पिछले 48 घंटों में टोंक जिले में कई जगह बारिश हुई, इसकी वजह से तापमान कम हो गया। शनिवार को आसमान में बादल छाए रहने और शाम को बरसात के बाद रविवार की सुबह घूमने वाले लोगों ने बताया कि बरसात से तापमान में कमी आई है, गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं पर जयपुर में दिन का तापमान 42.46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। रात का न्यूनतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते दिन शाम को बारिश के बाद तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। शाम 7 बजे पारा 39 डिग्री सेल्सियस पार आ गया। मौसम केंद्र के अनुसार 3 दिन हीट वेव के आसार नहीं रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। ये स्क्रिप्ट लिखी है मेरे साथी संदीप अग्रवाल ने, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।